Hindutva, an extremist ideology that seeks to convert the Indian state into Hindu Rashtra. Now, when I say that, what do you understand by it? मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ. इंडिया क्लेम्स के वो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इस दुनिया के अंदर. एंड व्हेन यू से डेमोक्रेसी, दैट मींस के जो आपकी माइनॉरिटीज हैं आप उनको उनके राइट्स देंगे, ठीक है, बाकी चीज़ों के अलावा. उससे हट के इंडिया क्लेम्स टू बी अ सेकुलर स्टेट. एंड व्हेन यू से सेकुलर, तो इसका मतलब है कि अगेन आपकी माइनॉरिटीज जो हैं, आपकी दूसरी रिलीजियस आइडियोलॉजीज जो हैं, आप उनका ख्याल रखेंगे. लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज रियलिटी के अंदर हिंदुत्व एक ऐसी आइडियोलॉजी है, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, जिसने इंडियन फॉरेन पॉलिसी को और इंडियन पॉलिटिक्स को डिक्टेट किया. स्पेसिफिकली मैं 2014 के बाद की बात करूं, तो इनफैक्ट 2014 के अंदर जो इवेंट था दैट वाज के बीजेपी की हुकूमत बन गई थी. नरेंद्र मोदी लेड बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, उनका मैंडेट ही मुसलमानों के खिलाफ एक्सट्रीमिस्ट प्रोपेगेंडा था. मतलब आप इसको ऐसे कह सकते हैं, बिकॉज उन्होंने जितनी भी वोट बैंक हासिल किया उन्होंने नफ़रतें फैला के, नफ़रतें बांट के हासिल किया. शुरू में कुछ एक डेढ़ साल अच्छा सीन रहा, जब फॉरेन पॉलिसी के अंदर थोड़ी सी नरमी थी व्हेन इट केम टू पाकिस्तान, और वो इतने एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट नहीं था उनका, वो दैट वाज गुड. बट लेकिन वो बड़े थोड़े से पीरियड के लिए था. उसके बाद दे शोड देयर रियल फेसेस, एंड सिचुएशन प्रेजेंटली इस हद तक एस्केलेट कर गई है कि इंडिया के अंदर ही एक ऐसी फैक्शन बन चुकी है जो कि बीजेपी के खिलाफ खड़े हो चुके हैं, जो कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी के अगेंस्ट स्टैंड ले रहे हैं, एंड इंक्लूडिंग मीडिया फ्रेटर्निटी एंड अदर पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स, दे वांट के इस आइडियोलॉजी को रोका जा सके और इंडिया का इमेज जो है, जो कि बिगड़ता जा रहा है, उसको कंट्रोल किया जाए. कुछ चीज़ें जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. 1 जनवरी के अंदर 100 से ज़्यादा मुसलमान खवातीन की पिक्चर्स जो हैं वो एक इंडियन ऐप पे नज़र आती हैं और लिखा होता है जी दे आर टू बी सोल्ड एज मेड्स, फॉर सेल एज मेड्स, एक्चुअल में उसकी लाइन थी. तो मतलब मैं क्या कहूँ, थोड़ा सा उससे पीछे जाएं तो एक इंडियन कॉलेज था, उसने वहाँ पे कुछ मुसलमान बच्चियाँ थीं जो कि हिजाब में कॉलेज अटेंड करने जाती थी, और उनको रोक दिया गया कि आप नई क्लासेस अटेंड कर सकती. वो बेचारी बच्चियाँ 5-6 की तादाद उनकी है, 150 कॉलेज में कोई मुसलमान बच्चे होंगे, और उसके अंदर से 6 बच्चियों ने बड़ा स्टैंड लिया, बड़ी कोशिश की, और उनकी अटेंडेंस शॉर्ट हुई जा रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप नहीं ऐसा कर सकते. ठीक है, थोड़ा सा और पीछे जाएं, दिसंबर के अंदर लास्ट ईयर, तो वहाँ पे उनके पॉलिटिकल लीडर्स ने तो मास जेनोसाइड का कह दिया था, क्या बुढ़ा दो जी, मतलब चलता है, समझ रहे हैं आप. खैर, उसके बाद 2-3 चीज़ें और हैं जो कि मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ. अच्छा, ये जो मैंने अभी मास जेनोसाइड की बात की है, ये एक रिलीजियस समिट हुआ था उनका नॉर्दर्न इंडिया की हरिद्वार सिटी के अंदर, ये वहाँ पे कहा गया था, और ये इस्लामोफोबिक ट्रेंड जो है वो उनका मीडिया उसको और ज़्यादा फिर प्रमोट कर देता है. खैर, नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ी अजीब सी हरकत की, अजीब तो नहीं अब लगती है, नॉर्मलाइज बन गई, क्योंकि बिकॉज दैट्स हाउ वी रूल्स, और उनकी जगह इस तरह बनी हुई है कि आप लोगों को ब्रेन वॉश करो, लोगों में नफरतें बांटो और बस वोट इकट्ठे कर लो, बिकॉज सिंस फिर लिटरेसी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ में एक्सपोजर की कमी होती है, तो लोगों को आइडियोलॉजी के ऊपर ख़रीदना बड़ा आसान होता है. उसके बाद जी, इंडियन मुस्लिम्स शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल and punished for the alleged crimes committed by their ancestors. ये दिसंबर के अंदर जी नरेंद्र मोदी साहब ने कहा, और अपनी जो फार राइट उनकी पॉलिसीज हैं उसको उन्होंने और ज़्यादा थोड़ा सा बड़ी उसे कलर किया उसको, एंड टेररिज्म एंड रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म उन्होंने जो बहुत प्रमोट किया इन 2 ऑफ हिज स्पीचेस, ये दिसंबर की मैं आपको बात करूँ. खैर, मूविंग ऑन, एंटी स्टेट लॉज पास भी हुए, प्रपोज भी हुए बहुत सी स्टेट्स के अंदर, तो ये एक बड़ी रिलेटिव है. यहाँ पे अंदर अगर मैं आपको इंटरनेशनली अप्रोच बताऊँ, तो इंटरनेशनल मीडिया ने आवाज़ उठाई है, और थिंक टैंक्स हैं दैट बड़ा इस टाइम पैनिक की सिचुएशन जाहिर करते हुए दे आर स्टेटिंग के देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ मास जेनोसाइड ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया. और यहाँ पे जब मुसलमानों की मैं बात करता हूँ, तो वो कोई 200 मिलियन के अराउंड होंगे, लाइक कह लो 20 करोड़ के
गरीब होंगे, मतलब 22-24 तो हमारी बात ही सोचिए यार, जितने मुसलमान यहाँ पे इतने ही ऐसे थोड़े से काम वहाँ पे हैं और अच्छी खासा ये एक नंबर बनता है, लेकिन उनके खिलाफ ये सारा कुछ हो रहा है। और जो उन्होंने आर्टिकल्स रिवोक किए, कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा बुरे तरीके से कश्मीरियों की आवाज़ को और बंद करने के लिए, वो तो मौजूद है। अब ये मैं सारी सिचुएशन जो पेंट करके आप तक पहुंचा रहा हूँ, इसमें मैं कश्मीर का कहीं जिक्र नहीं किया, बिकॉज कश्मीरियों के साथ जो वो करते आ रहे हैं वो एक अलग ही सूरत हाल है। तो बदकिस्मती से बीजेपी की हुकूमत, नरेंद्र मोदी का जो साया है वो भी 2024 तक रहना है, बिकॉज उनकी दूसरी टर्म चल रही है, तो 2024 तक ही जाएगा अगर कुछ ऊपर नीचे चीज़ नहीं हो जाती, जो कि नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये सारा कुछ हो रहा है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ हिंदुत्व, और रिलीजियस आइडियोलॉजी, हिंदू राष्ट्र, मतलब अजीब मैं एक दो वर्ड्स हम यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन बड़ी स्टूपिड सी चीज़ है जो कि करते आ रहे हैं वो और इसको चला रहे हैं। खैर, और वीडियोस सरफेस हुई और वीडियोस नज़र आईं जो कि हमने सोशल मीडिया पे देखी, जिसके अंदर मुसलमानों को बेदर्दी से मार ही दिया आपने, और इस बात के ऊपर कि जी आप जय श्री राम बोले, तो उन्होंने जय श्री राम जब नहीं बोला तो उनको कहीं उनकी गर्दने उतार दी हैं, कहीं को आपने मार मार के उनके हाथ पैर तोड़ दिए, तो अजीब सी बात है। तो मतलब इट्स डिसअपॉइंटिंग, डिस्करेजिंग, एंड शुड बी हाईलाइटेड एज मच एज पॉसिबल। आई वॉन्ट टू एड समथिंग ओवर हेयर कि ये सब कुछ जो है दैट शुड नेवर बी डिफाइनिंग इंडिया, बिकॉज इंडिया में ऐसे लोग भी हैं जो कि लाइक स्टेटेड वो जो उसके खिलाफ हैं, जो कि बीजेपी की आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं, जो कि हिंदुत्व को ओन नहीं करते, एंड देयर ऑफ द ओपिनियन दैट माइनॉरिटीज शुड बी गिवन देयर ड्यू राइट्स। एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द मुस्लिम्स ओवर हेयर, इवन द क्रिश्चियंस ऑफ इंडिया वो भी बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं। तो it's a situation that is very dark and should be condemned, and the world needs to step up to highlight it as much as possible, because agar ye zyada isko na roka gaya to eventually things will escalate aur fir masla pure khitte ke liye kharabi hoti hai. So to those of you who are listening to it, try and see a positive way out of every dark situation. Know that ideology ke upar aapko exploit kiya ja raha hai, and the leaders ये सिर्फ अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपनी फंडिंग और उसके लिए ऐसी आइडियोलॉजीज को यूज़ करते हैं, दे डोंट हैव एनीथिंग टू गेन आउट ऑफ इट अदर देन दैट। मतलब ये आपकी जो आपको लगता है कि अगर ये आपका कोई वाइट फ्लैग उठा के आपका मज़हब को आपको प्रमोट करना चाहते हैं या कुछ इस तरह, नहीं कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ बायसनेस है, नफरतें हैं एंड उनकी गंदी सोच है।